कांग्रेस ने बीजेपी पर उपचुनाव में गुंडे मवालियों की मदद लेने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि डबरा में गुना जिले का जिला बदर अपराधी इमरती देवी और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ मंच साझा कर रहा है। कांग्रेस का ये आरोप है कि डबरा और गौहद में सरकारी कर्मचारी बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस ने सागर की सुर्खी सीट की मतदाता सूची में गड़बड़ी की भी शिकायत चुनाव आयोग से की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आज चुनाव आयोग को शिकायत की गई है कि डबरा से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती इमरती देवी असमय तक उनका गुंडों का राजनीति में उपयोग कर रही है, चुनाव प्रचार में साथ रखे हुए हैं। गुना के जिला वाला गुंडे को उनके साथ मंच पर बिठाया हुआ है और वही व्यक्ति गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ भी खड़ा हुआ है। साफ है कि जो व्यक्ति फरार है, जो गुंडा तत्व का व्यक्ति है, उसके लिए भी चुनाव प्रचार में साथ रख रहे हैं। सामाजिक कांग्रेस कार्यकर्ता वो डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से कलरा विधानसभा के अंदर वहां के जो भाजपा प्रत्याशी हैं जसवंत जाटव द्वारा पुलिस के अधिकारियों को लेकर साफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये सारी शिकायतें सोचने की है। ये मध्यप्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में शासकीय कर्मचारियों का, अधिकारियों का, पुलिस का, गुंडों का बर्बाद होगा, सबको उपयोग हो रहा है और इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, जिसे हमने शिकायत की है। हमें उम्मीद है कि इस पर कोई ना कोई चुनाव आयोग निर्णय लेगा।